बिहार में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत करता है द मास्टर आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया इस वीडियो लेक्चर में बिहार की शिक्षक भर्ती में रोस्टर लागू होने के बाद 6 से 8 यानी गणित विज्ञान का कट ऑफ कितना जा सकता है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आपको पता है आपका जो ऑफिशियल कट ऑफ है वो 1-2 दिन में आने वाला है, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और ये आपका पूरा हमने यहाँ पर डाटा आपका लिख दिया है। बिहार में रोस्टर प्रणाली लागू होने के बाद बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है, कट ऑफ किन किन बातों पर निर्भर करता है, इन सारी चीज़ों पर चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हम लोग यहाँ पर बिहार की जो द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती थी उससे तुलना करेंगे और कट ऑफ में क्या परिवर्तन आ रहा है इसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ये आपका पूरा डाटा यहाँ पर पहले से ही लिख दिया गया है, इसको थोड़ी देर में समझ जाइए। तो गणित विज्ञान में आपका 6 से 8 का जो गणित विज्ञान है उसमें आपका कट ऑफ कितना जा सकता है आप बिल्कुल समझ जाएंगे। जैसे कि अगर हम द्वितीय चरण की और तृतीय चरण की शिक्षक भर्ती की तुलना करें तो अनारक्षित का बहुत ज़्यादा घाटा हुआ है। पहले आपका लगभग 2200 सीटें थी, अब आपकी 791 सीटें हैं। आपका जो सीटों की संख्या लगभग 3 गुना कम हो गई है, तो यहाँ पर आपकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। पहले यानी इससे पहले वाला जो पेपर था उसमें कट ऑफ आपकी 80 थी, अब आपकी कट ऑफ 87 जाएगी। ये जो लाल रंग से कट ऑफ लिखी गई है ये आपका 3.0 यानी तृतीय चरण की शिक्षक भर्ती का कट ऑफ संभावित कट ऑफ है। और यहाँ पर ये जो लिखा गया है ये द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती का ऑफिशियल कट ऑफ है। तो सीटों की संख्या के हिसाब से आपका कट ऑफ निर्धारित होगा। और आप यह भी जानते हैं चाहे द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती हो चाहे तृतीय चरण की शिक्षक भर्ती हो पेपर दोनों में खतरनाक ही आया था। तो यहाँ पर यूआर अनारक्षित में जान रहे हैं सीटें लगभग 3 गुना कम हो गई हैं, कट ऑफ आपका पिछली बार 80 था इस बार भाग के 87 पहुँचेगा। मुझे पहले लग रहा था कि यहाँ पर 85 होना चाहिए लेकिन फाइट इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर हमने 87 लिखा है, तो 85 से 87 ये आपकी कट ऑफ रह सकती है। इसी प्रकार महिलाओं में सीटें तो और कम हो गई हैं, लगभग 4 गुना सीटें आपकी कम हो गई हैं पिछली शिक्षक भर्ती से, तो आपकी कट ऑफ भाग के बहुत ऊपर जाएगी और इस बार 78 कट ऑफ रहने की उम्मीद है। इसी प्रकार EWS में हम लोग देख सकते हैं सीटें कम हैं तो कट ऑफ आपकी 80 रहेगी मेल के लिए, और फीमेल में भी सीटें आधी हैं तो कट ऑफ आपकी 70 रहेगी फीमेल के लिए। BC कैटेगरी में सीटें लगभग बराबर हैं, 100 सीटों का लगभग अंतर है तो कट ऑफ भी लगभग बराबर रहने की उम्मीद है 77, और यहां पर फीमेल के लिए 67 आपकी कट ऑफ रहेगी। इसी प्रकार अत्यंत पिछड़ा वर्ग में सीटें पहले 1000 थी अब 781 सीटें हैं, कट ऑफ आपकी ज़्यादा जाएगी बढ़ जाएगी, तो अब मेल के लिए 75 और फीमेल में सीटें लगभग आधी हो गई हैं तो फीमेल की जो कट ऑफ रहेगी वो आपकी 64 रहेगी। इसी प्रकार SC कैटेगरी में सीटें आपकी कम हैं, कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, मेल में 62 और फीमेल में सीटें तो लगभग आधी हो गई हैं तो यहाँ पर आपकी कट ऑफ 48 रहेगी। इसी प्रकार सबसे ज़्यादा फायदा किसका हुआ है इस बार तृतीय चरण की शिक्षक भर्ती में, सबसे ज़्यादा फायदा जो हुआ है वो हमारे अनुसूचित जनजाति जो भाई लोग हैं उनका फायदा हुआ है। पिछली बार ना के बराबर सीटें थीं और इस बार लगभग 10 गुना सीटें बढ़ गई हैं, सीटें बढ़ जाएंगी कट ऑफ धड़ाम से नीचे आएगी, यानी कि यहाँ पर आपकी 50 और फीमेल में लगभग सीटें बराबर हैं तो फीमेल कट ऑफ आपकी 40 रहेगी। और BCL पिछली बार 61 गया था इस बार आपकी 65 कट ऑफ रहेगी। ये हमने गणित विज्ञान का 6 से 8 के लिए कट ऑफ आपकी बताई है, उम्मीद है यही कट ऑफ यहाँ पर रहने की उम्मीद है। बहुत सारी चीज़ें हैं कट ऑफ जिस पर निर्भर करती है, उसको यहाँ पर चर्चा करने से कोई खास फायदा नहीं है। आपने ये कट ऑफ देख लिया, इस कट ऑफ के बाद आपके कितने नंबर बन रहे हैं और आपको क्या लगता है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। 6 से 8 गणित विज्ञान में बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद यह आपको कट ऑफ बताई गई है, इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपके कितने नंबर बन रहे हैं और आपके हिसाब से कट ऑफ क्या जा सकती है, सारी चीज़ों पर आप चर्चा कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और ये हमारा अनुमानित कट ऑफ है, इसको आप लोग देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उम्मीद है जब ऑफिशियल कट ऑफ आएगी तो इतना ही रहने की उम्मीद है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में, आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।